ओम शांति। आज 8 जून 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी। स्थाई योग जुटा रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? उत्तर है, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। आज की मुरली से पहले गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, इस गीत का अर्थ समझ गए? उस बरसात की तो बात नहीं है, वह जो सागर व नदियां हैं उनकी बात नहीं है। यह है ज्ञान सागर, वह आकर ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा दूर हो जाता है। ये कौन समझते हैं? ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन ये कौन समझते हैं जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं? बच्चे जानते हैं, हमारा बाप शिव है। वह हो गया हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो। मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधियारे का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब रोशनी मिली है। तो सब जानते जा रहे हैं, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को तुम जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। बाबा कहे, जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वह हाथ उठाओ। सब जानते हैं परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है तुमको मालूम है? तुम जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या पार्ट है? आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बरोबर, भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा मुझे देना होता है। तो भक्ति मार्ग से द्वापर से बाबा का पाठ आरंभ होता है। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार मैं ही कराता। जिसकी जिसमें भावना होती है और भक्ति करते हैं, जैसे गणेश जी की भक्ति किया या शिव शक्तियों की भक्ति किया, बाबा के उस समय वो चैतन्य में तो है नहीं, तो बाबा को कितना कार्य करना पड़ता है? सबको साक्षात्कार मैं ही कराता। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, भक्ति की मनोकामनाएं पूरी हुई, अब फिर बच्चे बने हैं, उनको तो जरूर वर्षा मिलेगा। फिर संगम युग पर सब बच्चों की सेवा में बाबा आ जाते हैं, सब बच्चों को वर्षा देते हैं। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है? क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावन हार है।
शिव बाबा इस ड्रामा के क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और फिर करण करावनहार भी है, डायरेक्शन देते हैं ना, पढ़ाते भी है। संगम पर भी बाबा को कितना कार्य करना पड़ता है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, यह भी कर्म करना हुआ ना। जब बाबा राजयोग सिखाते हैं तो यह भी बाबा को कर्म करना हुआ ना, और कराते भी है। आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए हो, यह है हार जीत का खेल। ये ड्रामा है ही माया से हार और माया से जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत कर्तव्य कराती आई है। असत कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते हैं? भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूं जो सबको सत कर्म करना सिखलाता हूं। अभी सबकी कयामत का समय है, सबको कब्र से जगाना है। ये सब कब्र दाखिल है, बाप आकर जगाते हैं, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। इस वक्त शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सब समझा रहे हैं। तुम सब की बायोग्राफी शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो ऊंच ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे न जानने वाले माथा टेकते हैं। तुमको माथा नहीं टेकना है, है बिल्कुल सहज बात। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, शिव बाबा के हम पौत्र हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है, किस बात का निश्चय है? कि हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। निश्चय होना जरूरी है, अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अभी तुम पवित्र रहती हो, अभी की पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। यह दुनिया तो बड़ी गंदी है, कीचक की कहानी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख कर आते हैं, उनको कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल रखनी है, बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आए। हम सुख धाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया है, यह तो निश्चय होना चाहिए ना। अशरीरी बनने की आदत डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेगी। योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। मुख्य बात है बाबा कहे जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प पढ़ाते हैं, राज्य भाग्य देते हैं। तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करते हो, राजा राज्य करते हैं, सेना राज्य के लिए लड़ती है। यहां तुम अपने लिए मेहनत करते हो,
बाप के लिए नहीं। यहां जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं माया के साथ भी, वो भी अपने लिए, बाप के लिए नहीं। मैं तो राज्य ही नहीं करता हूं, बाबा कहे मैं तो राज्य ही नहीं करता हूं, मैं तुमको राज्य दिलाने लिए युक्तियां बताता हूं। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप का वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेगी जो पा सके। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, परंतु यह कामना किसी की पूर्ण नहीं होगी। यह सब मिट्टी में मिल जाना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है। एक ही बॉम्ब लगा तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई है, नई दुनिया में वह फिर सब भरतू हो जाएगी। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है, गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट्या, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं, समझते उस सूर्य की बात है कि ज्ञान सूर्य प्रकट्या तो ज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, उनको फिर पानी देते हैं, वंडर है बाबा के, उनको फिर पानी देते हैं, वंडर है। भक्ति का फिर कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चांद देवताए नमः। वह फिर देवताएं कैसे होंगे, सूर्य को भी देवता बना दिया, चांद को भी देवता बना दिया, वह फिर देवता कैसे, देवताएं कैसे होंगे। यहां तो मनुष्य असुर से देवता बनते हैं, उनको देवता नहीं कह सकते। प्रकृति के पांच तत्व को बाबा कहे देवता नहीं कह सकते, पर तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं, जापान में सूर्यवंशी कहते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहां वह सूर्य, कहां यह ज्ञान सूर्य। यहां भी यह साइंस की इन्वेंशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है, कुछ भी नहीं। विनाश को पाया की पाया, सेंसिबल जो होते हैं वह समझते हैं, इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उनों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वह साइंस से विनाश करते हैं और तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी तो नरक में सबका बेड़ा डूबा हुआ है, उस तरफ वह सेनाएं, इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सेल्वेज करने वाले हो, कितनी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरा मददगार बनना चाहिए। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो। अभी संगम का टाइम है, बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा, बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, लड़ाइयां तो ढेर लगती रहती है। यह है ही छीछी दुनिया। तुम जानते हो बाबा हमको गुल गुल दुनिया में ले चलते हैं, ये पुराना चोला उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। यह तो बाप गारंटी करते हैं कि हम कल्प कल्प सभी को ले जाता हूं। इसीलिए
मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। बाबा कहे मैं सभी को ले जाता हूं, इसीलिए मेरा नाम कालों का काल महाकाल रखा है। पतित पावन रहम दिल भी कहते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह भी कैसे, श्रीमत पर। हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा, साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है, कर्म बिना तो कोई रह न सके, कर्म संन्यास तो होता नहीं, स्नान आदि करना यह भी कर्म है ना। पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे कि यह जो कहते हैं कि शिव बाबा पढ़ाते हैं ये ठीक है। निराकार भगवान वाच, वह तो एक ही है, इसीलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है, सब ब्रदर्स है तो ब्रदर्स का बाप तो होगा ना, नहीं तो कहां से आए। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, यह है बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तुमको सिखलाता, तुम फिर विश्व के मालिक बनते हो, यहां बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही राजयोग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये बाप का काम है, ये ज्ञान सागर वही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा का बाप है शिव, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, याद भी उनको करना है। अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, यहां से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है, अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे, पुराना कपड़ा सब छोड़ जाना है, अभी यह नाटक पूरा होता है, अब कपड़ा उतार जाएंगे अपने घर। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कोई भी असत कर्म नहीं करना है, मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है, पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है, सबके डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। बाबा द्वारा जो खजाना मिला है उन सब खजानों पर योग का प्रयोग करो, खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं
जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। आज का स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों के छांव में। गीत है, इस कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छांव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छांव में। इससे सिद्ध है कि जरूर वह भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं, तो जरूर वह भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरा जकड़े हुए है। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, देह से मुक्त नहीं थे लेकिन देह का कोई भान नहीं था। मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे, गोया वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके। तब ही परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.